करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ आज ही के दिन भारतीय सेना ने चोरी छिपके करगिल की पहाड़ियों में घुसे पाकिस्तानी आतंकवादियों को सबक सिखाया था। कारगिल विजय दिवस के 23 साल पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी शहीद पार्क में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। हाँ, सोनिया गांधी ईडी के सामने होंगे पेश, ईडी दोबारा करेगी पूछताछ। नेशनल हराल्ड मामले में सोनिया गांधी से होगी पूछताछ। संसद भवन में आज कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक, सुबह 10:15 होगी सांसदों की मीटिंग। बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट ने ईडी के रिमांड पर भेजा, दोनों को 3 अगस्त तक ईडी रिमांड। राज्यसभा की सीट बेचने के नाम पर ठगी की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक पार्टियों को लेकर सुनवाई, याचिका में चुनाव में मुफ्त की चीजों का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग। अखिलेश यादव का आज सैफई और कन्नौज द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव। पश्चिम बंगाल के स्कूल में घुसकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू महिला टीचर के फाड़े कपड़े, छात्रा के हिजाब हटवाने से थे नाराज। भोपाल में रेलवे की पटरी पर मिला बीटेक के स्टूडेंट का शव, मृतक स्टूडेंट के फोन से पिता को आया मैसेज, लिखा गुस्ताख है नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात का दौरा, शाम को सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली नगर निगम का चुनाव जल्द करवाने की मांग। सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करने को तंजीमे उलमा ने बताया है दिखावा, लुलु मॉल और प्रयागराज में नमाज पढ़ने पर जताई आपत्ति। मुख्तार अंसारी के परिवार पर कशा शिकंजा, आज मुख्तार अंसारी के भाई की संपत्ति होगी कुर्क, बेटी की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी। आजमगढ़ के बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव को जेल, 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान फायरिंग का आरोप, स्टे खत्म होती हुई गिरफ्तारी। न्यूड फोटो मामले में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की मुश्किलें पड़ सकती हैं, मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में लिखी शिकायत दर्ज कराई गई। चीन के मोबाइल फोन कंपनी वीवो पर बड़ा खुलासा, दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने कहा देश की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा करने की थी कोशिश। यूपी के लखीमपुर खीरी में जंगल में बाघ और बाघिन का घूमते हुए वीडियो हुआ वायरल, वीडियो वायरल होने से लोगों में दहशत। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग, कई लोगों की मौत, अमेरिका के डल्लास एयरपोर्ट पर भी फायरिंग से अफरा-तफरी। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहुंची बर्मिंघम, पहली बार महिला क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में किया गया है शामिल।